देखिए, कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई और बैठक में लिया गया है कई अहम फैसले। तो देखिए, कांग्रेस की हर बड़े आंदोलन में शामिल होंगे दिग्गज नेता। ये वो तमाम बड़े फैसले हम आपको बता दें जो कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक से निकलकर सामने आ रहे हैं। दल बदल करने वाले नेताओं को वापस नहीं लेगी पार्टी। कार्यकारिणी और संगठन में नियुक्ति के लिए जरूरी होगी रायशुमारी। तो देखिए, आपको बता दूं, कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई और बैठक में लिया गया है ये फैसला कि कांग्रेस की हर बड़े आंदोलन में शामिल होंगे दिग्गज नेता। तो जो किनारा करते हुए नजर आ रहे थे, बड़े चेहरे नहीं पहुंच पा रहे थे बहुत सारे आंदोलन में, बहुत सारे कार्यक्रम में, तो एक फैसला जो निकल कर सामने आ रहा है वो ये है कि कांग्रेस के हर बड़े आंदोलन में शामिल होंगे दिग्गज नेता। दल बदल करने वाले नेताओं पर भी एक फैसला आया है कि पार्टी में आपकी वापसी नहीं होगी। क्या कुछ है पूरी जानकारी जानने के लिए रुक करूंगी मेरे सहयोगी विवेक पांडे जुड़ गए मेरे साथ। विवेक, कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक और उसमें तमाम अहम फैसले, क्या कुछ ये फैसले हैं? देखिए अंजलि, कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हो चुकी है, उसमें कुछ नई बातें निकल के आई हैं। सबसे बड़ी बात है कि गद्दारी करने वाले नेताओं को पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। कई नेता इस बात को लेकर ये कह रहे थे कि जो कुछ नेता है जो पार्टी में वापस आना चाहते हैं, तो भंवर जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी नेता की सिफारिश नहीं चलेगी। एक और बात अहम निकल के सामने आ रही है कि कार्यकारिणी का गठन जल्द से जल्द कर लिया जाएगा, लेकिन कमलनाथ सर के समय जिस तरीके से नियुक्तियां हो रही थी, महासचिव, उपाध्यक्ष और कई सचिव दिए गए थे, तो ऐसे में अब कार्यकारिणी में से 50 से 60 लोग रहेंगे। और एक और बात निकल के सामने है कि इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस दफ्तर में मिलने पहुंचे थे जिलाध्यक्ष से, संभवतः उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। अंजलि, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के हर बड़े आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा दिग्गज नेताओं को। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस बात को मान रही है कि उनके जो बड़े नेता हैं वो उस स्तर तक काम नहीं कर पा रहे हैं, कार्यक्रम में नहीं पहुंच पा रहे हैं, आंदोलन में नहीं पहुंच पा रहे हैं। अंजलि, देखने वाली बात है कि पहला सीएम हाउस का घेराव होना था, एनएसयूआई की तरफ से था, उसमें सिर्फ जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और हेमंत कटारे, जयवर्धन सिंह ये मौजूद थे, लेकिन दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सज्जन सिंह वर्मा, कांतिलाल भूरिया, ये तमाम बड़े नेता गायब थे। लेकिन दूसरे दिन जब हमने देखा कि दूसरी बार जब प्रदर्शन हुआ, अशोका गार्डन थाने का शिकायत करने पहुंचे, उस वक्त दिग्विजय सिंह आए। तो ये कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि बड़े नेताओं को कार्यक्रम में शामिल होना अनिवार्य है। आरएसएस की तरह संगठन में नियुक्ति भी की जाएगी, लेकिन एक बड़ी बात है कि उनकी पहले ट्रेनिंग की जाएगी, उसके बाद संगठन स्तर पर नियुक्ति किया जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, संगठन के तमाम नेताओं को यह कहा गया है कि कोई होटल में नहीं रुकेगा, वो कार्यकर्ता के घर में जाएंगे और कार्यकर्ता के घर में रुककर वही भोजन करेंगे और आसपास के लोगों को मजबूत करेंगे। यानी कि आरएसएस के पैटर्न में कांग्रेस अब संगठन महामंत्री की नियुक्ति करेगा। और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी वीआईपी कल्चर कांग्रेस के अंदर नहीं पनपने दिया जाएगा, क्योंकि वीआईपी कल्चर की वजह से तमाम सारे कार्यकर्ता अपने नेताओं से नहीं मिल पाते हैं। तो ये एक बड़ा फैसला इस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में लिया गया है बैठक में। और जीतू पटवारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तमाम सारे बड़े नेताओं की जो जिम्मेदारी है वो उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अफेयर्स की जो कमेटी की बैठक थी उससे एक बात तो साफ हो गई है कि अब कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव लाने वाली है। आप बने रहिएगा मेरे साथ।